नमस्कार, मैं निशा तोमर अपनी मिश्रित रसोई चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और आज बनाते हैं भुनी हुई शकरकंदी से चाट, जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कुकर में शकरकंदी को भूनना कैसे है। मैंने दो बड़ी शकरकंदी ली है और जिसे मैंने 2-2.5 घंटे पहले ही धो दिया था। अब उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं है। चलिए, कुकर में मैंने इस वाले चम्मच से 3-4 ड्रॉप जो है रिफाइंड की डाली हैं। और अब रखते हैं शकरकंदी और साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ा सा 2-4 बूंद या आप कह सकते हो कि आधी चम्मच के आसपास रिफाइंड डाली आप इसे, और ढक्कन लगा करके छोटी गैस पे रखेंगे इसे। कुकर में ढक्कन लगा दिया है छोटी गैस से और उसको पहले फुल फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद धीमा कर देंगे। इसमें सीटी नहीं आएगी ये ध्यान रखेंगे और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। शकरकंदी को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस कम कर दी है और कुकर को भी इस तरह से हिला दिया है। आप 3-3 मिनट बाद या 2-2 मिनट बाद आप ऐसे कुकर को हिलाते रहें। शकरकंदी को भूनने के लिए मुझे कम से कम 17 से 18 मिनट लगे हैं और इसे मैंने 7 से 8 बार हिलाया है। देखिए, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये आराम से दब रही है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गई है। जब शकरकंदी हल्की सी ठंडी हो जाए तब इसे छीलेंगे। देखिए, शकरकंदी को छीनने पर बिल्कुल पतला सा ही छिलका उतर रहा है। देखिए, शकरकंदी को छीनने के बाद उसके मैंने लंबे लंबे पीस कर लिए हैं। आप चाहो तो गोल भी कर सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें मसाले, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम। साथ में काला नमक भी डालेंगे। अब डाल रहे हैं इसमें घर का पिसा हुआ चाट मसाला और लास्ट में डालेंगे हम इसमें हरे धनिया की चटनी। आप डाल रहे हैं इसमें घर का पिसा हुआ चाट मसाला और लास्ट में डालेंगे हम इसमें हरे धनिया की चटनी। और अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच नींबू का रस और इसको अच्छे से मिक्स करके आप खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सीजनल फ्रूट है, आप भरपूर मात्रा में खाएं, किसी भी तरीके से खाएं, उबालकर या चाट बना करके। यह चाट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।